सो हेलो एवरीवन। एंड कल हमने दो NDAs का रिवीजन किया था, दैट वाज 105 एंड 108। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113। दिस इज नथिंग बट दी फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में जल्दी से स्टार्ट करते हैं और विद इन नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, 113 इंड एस कितने मार्क्स तक में आ जाता है एग्जाम में? तो मैं आपको बोलूं 4 से 5 मार्क्स तक, समटाइम्स 6 मार्क्स तक ही गया है एक आधा बार, बट यूजुअली 4 to 5 मार्क्स में ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंड एस? तो इट इज देयर टू एस्टिमेट द प्राइस एट विच असेट कैन बी सोल्ड और लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड। लाइबिलिटी जितने पे ट्रांसफर कर सके या फिर असेट जितने पे बेच सके, ये ऑब्जेक्टिव था। एप्लीकेबिलिटी क्या थी कि भाई प्रेस्क्राइब करता था प्रिंसिपल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू फॉर बीइंग यूज्ड इन अदर इंडियस आल्सो। क्या होता था कि कई बार अपने को फेयर वैल्यू लेनी पड़ती थी, तो उसके लिए कोई एक इंडियस नहीं था, अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते थे और इन सब के लिए एक अपने को फेयर वैल्यू मेजरमेंट के स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। एंड दैट इज वाई ये इंडियस बना ही है जो प्रिंसिपल बताएगा किस बारे में, कि डिटरमिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू जो कि अदर इंडियस में यूज होगी। जैसे कि इसमें कुछ मेथड्स हैं, लाइक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ पीपी फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट यूज्ड इन इंडियस 41। बट साथ ही साथ इसमें कौन से कवर नहीं होते? जो फेयर वैल्यू हम शेयर बेस्ड पेमेंट में लेते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट का जब इंडेक्स पढ़ते हैं 102, वहां जो हम फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस लेते हैं वो यहां पे कवर नहीं होता 113 में। एनआरवी इंडेक्स 2 की नहीं कवर होती। वैल्यू इन यूज जो हम यूज करते हैं अदर इंडेक्स में वो भी हम यहां पे कवर नहीं होती। और जो लीज असेट के टाइम पे फेयर वैल्यू अपन यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड हियर। तो यहां मेजरली कौन कौन से कवर होते हैं? 4। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू ऑफ पीपी फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल असेट यूज इन इंड एस 41। ये सब यहां पे कवर होते हैं। इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स 113 से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द प्राइस जिस पर असेट सोल्ड हो सकता है, जैसा कि अपन ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, या फिर लाइबिलिटी सेटल हो सके। किसके बीच में? मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। यूजुअली मैं बोलूं तो ये एनडीएस काफी थ्योरेटिकल है, बट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं। गिनती के 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है सर, कब? ऑन मेजरमेंट डेट असेट कैन बी सोल्ड, लाइबिलिटीज कैन बी सेटल्ड ऑन मार्केट बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट कौन सी होती है? जो भी रिपोर्टिंग डेट हुई हमारी उसके हिसाब से। बट याद रखना कि यहां पर जो मेजरमेंट होता है फेयर वैल्यू का वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होगा, असेट और लाइबिलिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होगा। असेट की मार्केट में वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पर डिटर्मिनेशन होगा, लाइबिलिटी कितने पर सेटल हो सकती है इस मार्केट में इसके बेसिस पे डिटरमिनेशन होगा, ना कि एंटिटी के पॉइंट से कि एंटिटी को क्या लगता है। एंटिटी के जजमेंट यहां पर नहीं लिया जाएगा। गॉट इट? तो कंप्लीटली मार्केट बेस्ड फेयर वैल्यू यहां पर यूज होगी। बेसिकली प्रायोरिटी तो वही रहती है, अदरवाइज फिर बाकी फैक्टर्स भी हैं। तो सर इतना मार्केट के बारे में समझ लिया, तो व्हाट इज द मार्केट? मार्केट के लिए दो चीजें दी हुई, या तो आपका प्रिंसिपल मार्केट होगा या फिर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। पहली प्रेफरेंस हमेशा हम प्रिंसिपल मार्केट को देते हैं। प्रिंसिपल मार्केट जहां पर नॉर्मली, प्रिंसिपल मार्केट क्या है? जो नॉर्मल मार्केट है जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं, वहां हमेशा फेयर वैल्यू इसी प्रिंसिपल पर डिटरमाइन होगी कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस क्या होती है सर? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या होता है? जहां पर मार्केट, जहां पर आपको नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट ज्यादा मिल रहा है और लाइबिलिटी मिनिमम। मतलब आपको अगर पे करना है, जब आपको पे करना है तो वहां पर बहुत कम पे करना है, और जब आपको मिल रहा है कोई आप सेल प्रोसीड्स रिसीव कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इसको बोलते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। बट ये क्या होता है? सेकेंड प्रेफरेंस होती है हमेशा। इंड एस 113 का कहना यह है कि आप जब भी फेयर वैल्यू एस्टिमेट करें तो
देख लीजिएगा कि कौन से मार्केट के बेसिस पे आप इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोनों मार्केट है तो आपको हमेशा फेयर वैल्यू किस पे रिकॉग्नाइज करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट। अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वहां पे जाना है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट पर। यहां पर फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में, तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, वहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं होती थी, यहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंसिडर होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी फेयर वैल्यू की, तो तीन मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड है मार्केट बेस्ड, सेकेंड है इनकम बेस्ड, थर्ड है कॉस्ट बेस्ड। मार्केट बेस्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो हम यूज करते हैं, और अगर इसके अलावा अगर कोई और मेथड मिलता है तो दैट इज द इनकम बेस्ड मेथड। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज मार्केट बेस्ड, और उसमें भी कौन सा, प्रिंसिपल मार्केट बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया। ओके चलिए, तो मार्केट बेस्ड मार्केट बेस्ड फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक प्रिंसिपल ये है कि फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको अपन मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। हायरार्की क्या है कि ये जो मार्केट प्राइस आएगी बेस्ड ऑन लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री इनपुट के बेसिस पर। लेवल वन का मतलब जो कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल है, मैं और आप गए मार्केट में उसके बेसिस पर, इट इज नथिंग बट द लेवल वन, और ये हमेशा लेवल वन होती है। अगर लेवल वन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस जो एडजस्टेड है विद ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, हमने ऑब्जर्व जो किया उनके बेसिस पे कुछ फैक्टर्स ऑब्जर्व किए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ऑब्जर्वेबल इनपुट का, तो अपने को और क्लैरिटी से ये समझ में आएगा, अभी तो फिलहाल से कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर रहे हैं अपन। ओके, थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी, मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन द अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। तो फेयर वैल्यू कहां से एस्टिमेट होगी, सर मार्केट से कैसे आएगी, मार्केट प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो प्राइस आएगी ये डिपेंड करेगा या तो मार्केट प्राइस अनएडजस्टेड आएगी, या फिर मार्केट प्राइस एडजस्टेड विद ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, या फिर मार्केट प्राइस एडजस्टेड विद अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, तीन तरीकों से आ सकती है। ये अपन ने पढ़ा मार्केट बेस का कैलकुलेशन। अगर हम सेकेंड बारी बात करें मेथड की, तो वो क्या बोलता है, इनकम बेस्ड फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इनकम बेस्ड। इनकम बेस कैसे, सेकेंड प्रेफरेंस ये, या तो हमको प्रेजेंट वैल्यू, हमको कैश फ्लोज अवेलेबल हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें दी हुई रहेगी उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं, या फिर हमें ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क फ्री रेट, रिस्क कवरिंग फैक्टर्स दिए होंगे, तो उसके बेसिस पर भी हम इनकम बेस्ड मेथड लगा सकते हैं फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन पर। नाउ थर्ड वन इज स्थिर कॉस्ट, ये सबसे लीस्ट प्रेफर्ड है। लीस्ट प्रेफर्ड मतलब ना तो आपको कोई मार्केट फैक्टर मालूम है, ना कोई इनकम फैक्टर मालूम है, फिर आप ये थर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट कि भाई फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो फेयर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, भाई एक चीज को बदलने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो आपके लिए फेयर वैल्यू हो जाएगी। ये सबसे लीस्ट प्रेफर्ड है एज पर 113। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ कम्स कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमने समझ लिया। व्हाट इज द मार्केट, ये भी हमने समझ लिया, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पे, ये भी हमने समझ लिया। नाउ कम्स व्हाट, नाउ कम्स द एसेट लायबिलिटी और इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे होगा बेस्ड ऑन 113। तो जब मैं एसेट की बात करूं तो एसेट हमेशा मार्केट बेस्ड होगा। मार्केट बेस्ड अगेन वो दो चीजें हैं, प्रिंसिपल मार्केट है या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट हुआ तो फेयर वैल्यू लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और अगर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है, प्रेफर्ड है, सेकंड मेथड है, तो फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। बस साथ ही साथ ये देख लेना कि प्रोवाइडेड द एसेट इज लीगली परमिसिबल, फाइनेंशियली वायबल, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और फिजिकली पॉसिबल भी है कि नहीं, मतलब ऑन बुक्स अकेला नहीं है भाई, वो एसेट है भी कि नहीं। ओके, इसके लिए आपको देखना रहेगा मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट योर नॉलेज का। अपन यहां पे ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं,
ये आप पढ़ोगे, इस चार्ट के बेसिस पे आप आंसर कर दोगे। ओके, नाउ कम्स लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे सेटल होगी सर? लायबिलिटी के लिए इंडियस 113 बोलता है कि अगर आप लायबिलिटी की कोई फेयर वैल्यू निकालनी है तो एग्जिट प्राइस जिसपे वो एग्जिट हो सकता है बुक्स से, या लायबिलिटी विल नॉट एक्सटिंग्विश जिससे, या क्रेडिट रिस्क ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी कंसिडर, या ऐसी वैल्यू जिसमें क्रेडिट रिस्क दोनों पार्टीज बायर और सेलर का कंसिडर किया गया है, और अगर अमाउंट एंड पीरियड दिया है स्पेसिफिकली तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यूजुअली निकाल लेंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे जिसपे भी वो बुक से एग्जिट हो रही है, एग्जिट प्राइस जो हमारी होगी वो। तो लायबिलिटी के लिए क्या बोला, एग्जिट प्राइस, या फिर अगर अमाउंट और पीरियड स्पेसिफिक है तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकाल लेंगे, नथिंग एल्स। साथ ही साथ जब हम ये एग्जिट प्राइस कंसिडर करेंगे तो वहां पर क्रेडिट रिस्क ऑफ बोथ पार्टीज दैट इज द बायर एंड सेलर शुड ऑल्सो बी कंसिडर, या फिर लायबिलिटी जिसपे एक्सटिंग्विश नहीं करेगी। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि इंडिया से आपको इक्विटी का वैल्यूएशन बताते हैं, अदरवाइज अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ते थे तब आपके पास इक्विटी के वैल्यूएशन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो 113 बोलता है कि एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी रहेगी, उसके बेसिस पर एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर निकालनी रहेगी, उसके बेसिस पर हम इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हैं। यहां पर दो अप्रोचेस हैं एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए, दो अप्रोचेस है। एक तो अगर आपको ईबीआईटीए दिया हुआ है, ठीक है, ईबीआईटीए दिया हुआ है कि कितने टाइम्स वो है, साथ ही साथ अगर ईबीआईटीए दिया हुआ है उसका रेशियो आपको गिवन है कि कितने टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईबीआईटीए दिया हुआ है, तो फिर आप इसको निकाल सकते हो एंटरप्राइज वैल्यू को कि व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू, है ना। और जैसे ही आपकी एंटरप्राइज वैल्यू आई उससे आप निकाल लोगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कैसे आएगी, एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कब, जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईबीआईटीए। सर हमें नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईबीआईटीए नहीं गिवन है, तो एक और मेथड है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन असेट। कोई भी असेट में कुछ भी इंक्रीज हुआ, फेयर वैल्यू इंक्रीज इन असेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन असेट। साथ ही साथ अगर कोई कैश इन कैश इक्विवेलेंट हमारी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, लेस कर देंगे हम उसमें से डेट्स, तो हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इट इज नथिंग बट द एंटरप्राइज वैल्यू। अगेन इसमें हम स्टेक निकाल लेंगे, स्टेक के साथ कुछ लिक्विडिटी डिस्काउंट और कुछ एनीथिंग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है, कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको हम लेस करके जो भी आएगा दैट इज हमारी फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो तीन चीजों की हमें वैल्यूएशन करना है इस इंडेक्स में, दैट इज असेट लायबिलिटी एंड इक्विटी। असेट के लिए क्या बताया सर, मार्केट, प्रिंसिपल मार्केट है तो फेयर वैल्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर एक्टिव मार्केट नहीं है, प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तो फिर मोस्ट एडवांटेजियस में क्या होगा, फेयर वैल्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, लायबिलिटी में क्या होगा सर, ये लायबिलिटी जो हमारी बुक्स पे फेयर वैल्यू पे आएगी वो कैसे आएगी सर, जिसपे वो एग्जिट हो सके, जिसपे वो लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो सके, जिसको इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट रिस्क ऑफ बोथ दी पार्टीज दैट इज दी बायर एंड सेलर शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ओके, देन क्या होगा, अगर ये तीनों चीजें नहीं गिवन है और आपको अमाउंट साथ ही साथ उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया हुआ है तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट के हिसाब से निकालना रहेगा। इज दैट क्लियर सर। इक्विटी के लिए मैंने क्या बोला, एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर निकालना है, दो तरीके हैं, या तो आपको ईबीआईटीए दिया होगा, ईबीआईटीए दिया हुआ है तो आप उससे निकाल लोगे एंटरप्राइज वैल्यू और उससे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो जो आएगा वो होगी आपकी फेयर वैल्यू। अदरवाइज देन आपका क्या आएगा, अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईबीआईटीए या ईबीआईटीए के हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो आप देखना क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे फ्यूचर कैश फ्लोस, साथ ही साथ कुछ फेयर वैल्यू इंक्रीज इन असेट है कि नहीं वो, इसके अलावा कोई लोन्स हैं तो डेट्स हैं वो रिपे हो रहे हैं तो उनको लेस कर देना, और अगर कोई कैश इन कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो उसको ऐड कर लेना। ये आ जाएगा आपका क्या, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी दैट इज नथिंग बट दी एंटरप्राइज वैल्यू। इसमें क्या करोगे आप, स्टेक निकाल लोगे, आपका जो स्टेक होगा वो निकालोगे। स्टेक निकालने के साथ साथ आप क्या करोगे, कोई लिक्विडिटी डिस्काउंट है, कोई भी तरीके का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो आप लेस कर देना, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। सो दिस इज व्हाट 113 इज ऑल अबाउट। इन डेज 113 में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब
आई डोंट थिंक कि 14-15 मिनट में अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन में। मॉड्यूल में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। एसेट इज सोल्ड इन 2 डिफरेंट एक्टिव मार्केट्स एट डिफरेंट प्राइसेस। एन एंटिटी एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन इन बोथ द मार्केट्स एंड कैन एक्सेस द प्राइस इन दोस मार्केट्स फॉर द एसेट्स एट द मेजरमेंट डेट। मार्केट ए जिसमें प्राइस क्या दी हुई है 26, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है 2 और ट्रांजेक्शन कॉस्ट 3 दी हुई है। मार्केट बी जिसमें प्राइस दी हुई है 25, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपीज दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इफ मार्केट ए इज द प्रिंसिपल मार्केट। अगर सर प्रिंसिपल मार्केट हो गया कोई तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस और नो? तो मार्केट ए में क्या हो जाएगा सर, मार्केट ए 26 लेस 2, तो हमारी फेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी एसेट की, 24, बस खत्म है। हाँ बस इतना ही है इसमें, ये सिर्फ नाम से बहुत बड़ा इंडिया से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और ये बहुत आसान 4 to 6 मार्क्स हैं आपके, बहुत आसान। इसके बाद सेकंड वाले में कैलकुलेट करिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट। अब कोई भी मार्केट क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के हिसाब से फेयर वैल्यू। तो आप दोनों में निकालिए। दोनों में कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस ए मार्केट ए की 26 है और मार्केट बी की 25 है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस कर दो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस कर दो, तो मोस्ट एडवांटेजियस प्राइस कौन सी आई सर, बी वाली, इसमें ज्यादा नेट प्रोसीड्स मिल रहा है अपने को। जिसमें नेट प्रोसीड्स ज्यादा मिल रहा है वही हम मान लेंगे फेयर वैल्यू और मार्केट बी विल बी कंसिडर्ड। तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी थी मार्केट बी की, 25, और इसमें से लेस कर दो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट क्या हो जाएगी सेकंड वाले केस में, 23 रुपीज। इज दैट क्लियर? ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देता हूं, मॉड्यूल में ही गिवन होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस मॉड्यूल में ही गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा अपने चार्ट से सॉल्व हो जाएगा, वो जो अपन ना एसेट की फेयर वैल्यू समझी ना वही वाला, हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज ऑफ लैंड एज पर 113। ये आप अगर रीड करोगे ये सेल्फ से हो जाएगा, अपने चार्ट से हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 3 पर। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड फॉर 10 crores इन ईयर 2011-12। द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2012-13। असेसिंग द फेयर वैल्यू एट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द एक्सवाईजेड लिमिटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल इनपुट, ABC Limited identified a similar nature of transaction in which PQR Limited acquired 20% equity shares in XYZ for 60 crores. Okay, इन्होंने similar nature के basis पे क्या देखा? Market price देख ली. Okay, based on observable inputs. The price of such transaction was determined on the basis of comparative companies method. ये कोई method है? अब ये method का नाम देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो अपन ने पढ़ा है. Enterprise value upon EBITDA. DA, which was 8, इसका रेशियो दिया हुआ है, ईवी अपॉन ईबीआई टीडीए विच वॉज 8 रुपीज दिया हुआ है। ये देखिए फॉर द करेंट ईयर द ईबीटीआईडीए वॉज 40 crores। ओके, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द वैल्यूएशन वॉज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग 5% लिक्विडिटी डिस्काउंट, 5% नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट। वॉट वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ एबीसीज, एबीसी के इन्वेस्टमेंट्स जो एक्सवाईजेड में हैं, उनकी फेयर वैल्यू कितनी होगी? दैट इज नथिंग बट हमें निकालनी है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है और क्वेश्चन में अपने को ईबीआईटीडीए दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली कौन सा मेथड यूज करेंगे, ईबीआईटीडीए वाला। अपने को क्या गिवन है सर, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई ईबीआईटीडीए इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल्स टू 8 इंटू ईबीआईटीडीए। अच्छा, ईबीआईटीडीए अलग अलग से अपने को क्वेश्चन में 40 करोड़ दिया है, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू आ गई 320। ओके, इसमें से स्टेक लेस कर दो, स्टेक कितना आएगा, एंटरप्राइज वैल्यू 320 करोड़ है और अपना स्टेक कितना परचेस था सर, 5%, तो ये आ गया अपना 16 crores। और इस 16 crore में जो डिस्काउंट थे वो सारे लेस करके अपनी क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो आपको समझ में आया, या तो आपको क्या दिया होगा यहां पे, अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज या फिर ईबीआईटीडीए, और उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, डायरेक्टली फेयर वैल्यू। गॉट इट? नाउ
क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये किसी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन ना मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये कंपलसरी में आया था 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो इसको भी कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है बट है भी। यूके लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ पीटी लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन प्लान, द प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज ऑफ पीटी लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। नेक्स्ट 5 ईयर्स के कैश फ्लोज दिए हुए हैं, ईयर वन में 187.1, 187.6, देन 121.8, देन 269 और 278.8। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? लास्ट में दी होती है, जो लास्ट ईयर ऑफ कैश फ्लो में देनी होती है, अपन ने एफएम में पढ़ा है 3965। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अपने को दी हुई है, ओके। तो सर क्या इसमें EBITDA दिया हुआ है? नहीं, इसका मतलब अपन कौन सी इक्विटी का वैल्यूएशन करना है, क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ो ना, डिटरमाइन वैल्यू पर शेयर ऑफ पीटी लिमिटेड एज पर इनकम अप्रोच, और इनकम अप्रोच आप कैसे यूज करोगे? नथिंग बट जो आपको इक्विटी का वैल्यूएशन करना है, अपने को यहां दिमाग नहीं लगाना, अपने को इस पे दिमाग लगाना है। और इस पे दिमाग कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, स्टेप नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस निकाल लो। अपने को डिस्काउंटिंग रेट 11% दी है, निकाल लो डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लोज ये रहे आपके और डिस्काउंटिंग फैक्टर ये रहे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आ गई। इसके बाद निकाल लो एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस एनी फेयर वैल्यू इंक्रीज इन एसेट। क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? सर अपने को टोटल डेट दिया है 1465 करोड़ का और सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसके अलावा कोई फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं दिए, तो अपन कुछ भी नहीं लेंगे। ये आगे अपनी एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज नथिंग बट फेयर वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहां दिए थे सर? सर ये दिए ना लास्ट लाइन में, देखो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीटी लिमिटेड एज ऑन द मेजरमेंट डेट वॉज दिस। ये कंपलसरी क्वेश्चन था, बताओ ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से कर लेंगे। आगे आते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ योर फर्म एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ केके लिमिटेड। केके लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ये देखो मैंने लिखा भी अटेम्प्ट, December 21 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं कंपलसरी तो नहीं था बट ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में कहीं तो आया था। चलिए देखते हैं इसमें, दैट इज द मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। You are a senior consultant of your firm and are in the process of determining the valuation of KK Limited. आप KK Limited का valuation करने वाले हो, आप senior consultant हो, ठीक है? You have determined the valuation of the company by 2 approaches, that is market approach and income approach, and selected the highest as the final value. However, based upon the discussion with your partner, you have been requested to assign equal weights to both the approach. Okay? आपको क्या करना है? Equal weight देना है दोनों approaches को, ठीक है? एंड डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ केके लिमिटेड, द डिटेल्स ऑफ केके लिमिटेड आर एज फॉलोस। वैल्यूएशन एज पर मार्केट अप्रोच इतनी है, वैल्यूएशन एज पर इनकम अप्रोच इतनी है, डेट ऑब्लिगेशन मेजरमेंट डेट पर ये रही, सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है अपने को, फेयर वैल्यू इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ केके लिमिटेड भी दिया हुआ है, डिटरमाइन द इक्विटी शेयर ऑफ केके लिमिटेड ऑन द मेजरमेंट डेट। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जो दोनों मार्केट वैल्यूएशन दी हुई है, वैल्यूएशन दोनों बेसिस पे दी हुई है, मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच, अपन क्या मानेंगे? इनको इक्वल वेट दे देंगे और इससे निकाल लेंगे अपन क्या? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? देखो ये मार्केट अप्रोच का दिया हुआ है वैल्यूएशन और ये इनकम अप्रोच का, इसको 50 का दे दिया वेट, इसको भी 50 का दे दिया, टोटल वेट हो गया 100 का, तो अपना आ गया 4251, बेसिकली एवरेज निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 अगेन एंटरप्राइज वैल्यू, तो अपन ने दोनों का एवरेज क्या निकाला था? 4251.7 प्लस कैश इन कैश इक्विवेलेंट अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है, फेयर वैल्यू इंक्रीज भी गिवन है और डेट भी गिवन है, अपन ने निकाल लिया एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू में डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को, तो अपनी आ गई फेयर वैल्यू पर ऑप्शन। बताओ 4 मार्क्स, कितना आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो मैंने मस्ट 2 क्वेश्चन की लिस्ट में दिया हुआ था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। बस इसके अलावा इस इंडेक्स में और कुछ है ही नहीं करने को, मैं आपको बोलूं। और ये थोड़ा सा नया वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी करा दूं, बिकॉज स्टूडेंट्स को डाउट भी है, आप लोगों ने मेरे से पूछा भी क्वेरी में, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं। और ये मैंने मेरी FR के मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट में भी डाल के रखा है कि ये क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज इस क्वेश्चन को अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है
और ये जब पूछेंगे उस बार बच्चा गलत करके आएगा, क्योंकि कुछ इंडियस, मैंने आपको बोला था ना, कुछ इंडियस ऐसे हैं जब जब उनके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, बच्चा गलत करके ही आएगा। रीजन, रीजन नंबर वन क्यों, क्योंकि जल्दबाजी में हम इतना वेटेज दे देते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, इतना वेट दे देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को, कि हमारे जो छोटे स्मॉल इंडियस हैं वो नहीं हो पाते। स्मॉल इंडियस रादर से आई वुड से कि अदर इंडियस, ओके, आपको 6-7 टॉपिक्स तो मालूम है कि भाई इनसे 60 नंबर का पेपर आता ही आता है, तो बाकी के टॉपिक्स भी करके जाना, क्यों, क्योंकि उनका भी 40-45 मार्क्स का वेटेज है। चलिए तो आ जाते हैं टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2011 ए लिमिटेड अज्यूम्स डी कमीशनिंग लायबिलिटी इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, द रिपोर्टिंग एंटिटी इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल एंड रिमूव द ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी थी सर? 10 साल थी। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, रेलेवेंट कितनी इंफॉर्मेशन है, इफ ए लिमिटेड वॉज कॉन्ट्रेक्चुअली अलाउड टू ट्रांसफर इट्स डीकमिशनिंग लाइबिलिटी टू ए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट कंक्लूड्स दैट ए मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यूज ऑल द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोबेबिलिटी वेटेज एज अप्रोप्रिएट व्हेन एस्टिमेटिंग द प्राइस इट वुड एक्सपेक्ट टू लीव। भाई इन्होंने क्या किया, ए लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन से और मार्केट पार्टिसिपेंट से बोला कि वो इस लाइबिलिटी को, मतलब वो इस चीज को ऑफशोर डिसमेंटल रिमूव करने में उनकी हेल्प करे या जो भी है। ये जितना भी डेटा दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में रबिश, कोई काम का नहीं है। मुद्दे की बात लास्ट लाइन में दी हुई है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, कौन सा असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन पे आ रहा भाई, ये डी कमीशनिंग वाला। ओके, लेबर कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला लेबर कॉस्ट आर डेवलप बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। अच्छा, ये फेयर वैल्यू जो आएगी वो फॉलोइंग इनपुट्स की बेसिस पे आएगी, जो मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स, तभी ये एस्टिमेट कर पाएंगे। और उसके लिए एस्टिमेशन के लिए पहली लाइन भी वेस्ट कर दी, दूसरी लाइन भी वेस्ट कर दी, तीसरी लाइन में काम की बात दी कि ए लिमिटेड असाइन प्रोबेबिलिटी टू रेंज ऑफ कैश फ्लोज एस्टिमेटेड आर एस फॉलोज। लेबर कॉस्ट जो आपको देनी है उसके कैश फ्लोज ये रहे, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो अपने को कुछ नहीं करना है इससे, अपन क्या निकाल लेंगे लेबर कॉस्ट, वही किया 100 करोड़ की फर्स्ट ईयर में 25% एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इतना हो गया, फिर 125 करोड़ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस 50% के हिसाब से, 175 करोड़ 25% 43.75 टोटल कितना हो जाएगा लेबर कॉस्ट एक्सपेक्टेड 1.25 करोड़, ये अपनी क्या हो जाएगी लेबर कॉस्ट। इसके अलावा कुछ ओवरहेड्स भी होंगे, तो ओवरहेड्स के लिए क्या बोला 80% ऑफ द लेबर कॉस्ट, तो भैया जो 131.325 आया ये क्या हो जाएगा अपना, इसका 80% ले लो तो 105 प्लस फेयर वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए उन्होंने और चीज भी बोली है, क्या, द कंपनसेशन दैट अ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर फॉर अंडरटेकिंग द एक्टिविटी एंड अज्यूमिंग मार्केट पार्टिसिपेंट जो कंपनसेशन लेगा उसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड भी रहेगा, ठीक है, और उसकी ऑब्लिगेशन भी है डिसमेंटल करने की, रिमूव करने की एसेट, तो उस कंपनसेशन में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, प्रॉफिट ऑन लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट रहेगा वो उस पर 20% चार्ज करेगा। तो क्या करोगे आप, जो आपकी लेबर कॉस्ट आई और ओवरहेड का टोटल आया, इट इस दोनों का टोटल प्लस 20%, तो ये आ जाएगा आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस। ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस क्या है, जो अपन ने याद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस निकाल रहे थे, वही चीज है ये, और कुछ नहीं है। तो ये आ गई अपनी क्या, मैं यहां पे लिख दे देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस जो अपन निकालते थे। इसके बाद अपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस के निकालने के बाद इसको 10 साल यूजफुल लाइफ है, तो आप कंसिडर करोगे कौन सा डिस्काउंटिंग रेट कंसिडर करोगे, और रिस्क दैट द एक्चुअल कैश फ्लोस कैश आउटफ्लोस माइट डिफर फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड, ये रिस्क भी है ना, क्योंकि आप आज एस्टिमेट कर रहे हो कोई कैश फ्लो को और 10 साल बाद के लिए, तो हो सकता है कि आज जो आप एस्टिमेट कर रहे हो वो अलग ही हो कुछ, सर बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है, कितना 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस। तो उन्होंने क्या किया, 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस में क्या बोला है कि ए लिमिटेड एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ दैट प्रीमियम टू 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस आर रियल कैश फ्लोस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू टुडे,
वो जो 5% है वो आज की वैल्यू के हिसाब से आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी तो एडजस्ट करोगे आप? हाँ सर, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड अज्यूम्स अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये कौन सी 4% क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 10 ईयर पीरियड बेस्ड ऑन द अवेलेबल मार्केट डेटा। तो अपन इसके बेसिस पे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4% के हिसाब से 10% तो ये आ जाएगा 10 ईयर्स के लिए 1.48 आ जाएगा। तो ये जो 283.50 आया उसको अपन 10 साल बाद कितना एक्सपेक्ट करके रखेंगे वो ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें रिस्क अनसर्टेनिटी पीरियड भी तो ऐड करेंगे 5% वाला, वो भी अपन ने ऐड कर दिया। तो इट विल बी अराउंड टोटल जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए थी जो अपन निकालते थे वो यहां जाके आएगी। क्यों? आफ्टर टेकिंग डिस्काउंटिंग रेट्स इनटू कंसीडरेशन। बस ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया और यूजुअली अगर आप इसको छोड़ जाओगे तो खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करेगा, अमूमन यहां पे आके रोक देगा कि भाई ये आगे हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। नहीं, आपको आज की नहीं निकालनी है वैल्यू, आपको आज से 10 साल बाद की निकालनी है। तो आपको जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और अपन FMA करते हैं और मैंने आपको बताया भी कि जहां जहां फेयर वैल्यू आई वहां वहां प्रेजेंट वैल्यू की कहानी भी आएगी, तो भैया ये फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। और ये जो रेट आई है ये है आपकी क्या, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज नथिंग बट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है ये, ठीक है सर। ये आ गया 440, ये जो 440 आया इससे अपने को क्या करना है, बस अपने को क्या, मुझे बताओ क्या कोई कैश इन कैश इक्विवेलेंट दिया है क्वेश्चन में? नहीं। क्या अपने को कुछ कैश इन कैश इक्विवेलेंट के अलावा रिस्क फ्री फैक्टर दिया हुआ है? हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% है और एक दिया है नॉन रिस्क 3.5 वाला। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं दिया सर, फेयर वैल्यू इंक्रीज भी नहीं दिया अपने को। इसके अलावा क्वेश्चन में डेट कुछ दिया है क्या, डेट वगैरह? सर वो भी नहीं दिया है। तो बस अपने को डायरेक्टली डिस्काउंट लगाना है यहाँ पे। कितना आ जाएगा, एक तो ये 5% प्लस 3.5%, इसको 8.5% के हिसाब से कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, और कितने साल के लिए, ओवर 10 ईयर्स। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें तो एक साल का ही था काम, तो अपन ये डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगा रहे थे, कौन सा वाला कि भाई 10 साल तक के लिए, बट यहां आपको लगाना पड़ेगा। और प्रेजेंट वैल्यू एनईडी फैक्टर निकालने के बाद इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को उससे डिवाइड कर देना तो ये आपका क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है शायद आ जाए, इस अटेम्प्ट नहीं तो अगले अटेम्प्ट आएगा, आएगा जरूर क्योंकि अभी तक आया नहीं है। और ये मेरी मस्ट टू क्वेश्चंस की लिस्ट में था इसलिए मैंने आपको कराया। सो ऑलमोस्ट अपन को 15 से 16 मिनट लगे क्वेश्चंस करने में और 14 से 15 मिनट लगे अपने को पूरा कॉन्सेप्ट्स को ब्रश करने में। आई होप इंडेस 113 आपका बहुत अच्छा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है जैसे ही ये खत्म हुआ आपका, आप तुरंत ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद अगला इंडेस दैट इज 41 एग्रीकल्चर उसको आप रिवाइज करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर। सो चलिए, आई होप आपने इंडेस 113 देख लिया होगा और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेस 41 दैट इज एग्रीकल्चर। चलिए, सो एग्रीकल्चर का जो इंडेस है ये इसका स्कोप क्या है पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। तो इंडेस डील्स विद द फॉलोइंग क्या, बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स जो भी होंगे जितने भी वो सारे के सारे कौन से इंडेस में कवर हो जाएंगे, सर इंडेस 41 में कवर हो जाएंगे। सर बायोलॉजिकल असेट्स कौन होते हैं, सर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब दैट इज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के टाइम पर जब आप खेती करते हैं ना तो हार्वेस्टिंग होती है ना, उस टाइम पे जो भी चीज होती है दैट इज नथिंग बट द प्रोड्यूस थ्रू विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और साथ ही साथ अगर कोई आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट तो ये इंडेस किस पे एप्लीकेबल है, सर दिस इंडेस इज एप्लीकेबल टू दोज एंटिटीज, कौन सी, जिनसे जिनका संबंध तीन चीजों से, कौन सी, बायोलॉजिकल एसेट, सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और साथ ही साथ थर्ड क्या है, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ओके इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी या बायोलॉजिकल असेट। ओके सर,
फॉलोइंग इफ इट रिलेट्स टू एग्रीकल्चर। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं ये किससे रिलेटेड होनी चाहिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। तो इंडिया 41 डिफाइन करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मींस मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी इन्वॉल्वड इन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज फॉर सेल, क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। या तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी किसमें इन्वॉल्व है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज ऑफ सेल, एडिशनल बायोलॉजिकल असेट, और साथ ही साथ क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसके अलावा ये सर व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन। सर ग्रोथ का मतलब कोई बायोलॉजिकल एसिड बढ़ गया, बायोलॉजिकल एसिड बढ़ गया, मान लीजिए काउ है, काउ इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल एसिड। अब काउ क्या होगी? बछड़ा देगी, दैट इज काप्स। तो ग्रोथ हुई ना, डीजनरेशन हुआ ना। सर डीजनरेशन, प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज नथिंग बट मिल्क। प्रोक्रिएशन, वापस से क्रिएट कर रहे हो आप उसको, तो ये क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा? इंड एज 41 deals with the following three things. कौन सी? biological asset, agricultural produce, और कौन सी चीज? third one, government grant relating to biological asset. और वो भी कब? जब आपका क्या होगा? if it relates to agricultural activity. agricultural activity का मतलब क्या होगा? India 41 बोलता है कि management of entity involved in biological transformation activities for sale, creating agricultural produce, creating additional biological asset. okay? सर हाउ टू रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ असेट्स? सो बेसिकली मैं बोलूं तो बायोलॉजिकल असेट या असेट के असेट रिलेटेड इंडेस है। हाँ, रिकॉग्निशन कैसे होगा? तो सच असेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम इस बायोलॉजिकल असेट को बुक्स में लिखेंगे। पहला, एंटिटी हैज लीगल कंट्रोल ओवर दैट बायोलॉजिकल असेट। सेकेंड, एंटिटी हैज ड्राइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके। थर्ड, कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मीजर्ड। कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मीजर्ड, लीगल कंट्रोल होना चाहिए और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए एंटिटी को। ओके सर, मीजरमेंट कैसे होगा? मीजरमेंट शुड ऑलवेज बी डन एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके सर, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे या आप एमसीक्यू हैं तो वो भी जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्लूड्स कमीशन, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 113 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता था एक्टिव मार्केट प्राइस में, बट यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। टैक्सेस स्लैश ड्यूटीज पेड, फीस पेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सारी चीजें क्या आएंगी? ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में इंक्लूड हो जाएंगी। बट क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगी? सर एनी फाइनेंस कॉस्ट, एनी इनकम टैक्स, एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होंगी। किसमें? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं होंगी और ये चार चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। सर कोई भी चेंज हुआ बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू में, ये हमेशा ट्रांसफर कहां होगा? पीआरएल में। सर इफ कंडीशंस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आर सेटिस्फाइड देन सच गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीआरएल। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल असेट और उससे रिलेटेड कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई तो उस गवर्नमेंट ग्रांट को आप पीआरएल में रिकॉग्नाइज करोगे। दिस वॉज द कंसेप्ट। सर इसके अलावा एक जो टेबल है ना मॉड्यूल में दी हुई है, ये वाली, ये टेबल जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें ना बायोलॉजिकल असेट्स दिए हुए और उनसे प्रोड्यूस होने वाले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल असेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होने वाले होते हैं, जैसे शीप है, शीप से बूल आता है, और प्रोडक्ट्स दैट आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट, यार्न और कारपेट, जैसे ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, फेल्ड ट्रीज, लॉन्ग टर्म, ये आप पढ़ लेना, सेल्फ स्टडी, रीड इट बिफोर, या गुड मॉर्निंग क्वेश्चन की तरह इसको टिक कर लेना, जिस दिन एफआर का पेपर है मॉर्निंग में इसको देख लेना, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, फ्रूट ट्रीज, तो पिक्ड फ्रूट ये हो जाएगा एग्रीकल्चर फ्रूट, और प्रोसेस्ड फ्रूट क्या हो जाएगा? जो आफ्टर हार्वेस्ट होगा। ओके ये एक लिस्ट दी हुई थी, ये जरूर देख लीजिए ना, ये एग्जांपल्स हैं, आपको हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। ठीक है, आ जाते हैं
मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस पे, बस इतना ही है इंडियस 41 में कंसेप्ट। मैं आपको बोलूं कुछ भी नहीं करने का, क्या करने का वापस से देख लेते हैं। सर कैसे अपन रिकॉग्नाइज करेंगे एग्रीकल्चर एसेट को, सॉरी बायोलॉजिकल एसेट को? बायोलॉजिकल एसेट कब बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा? सर जब एंटिटी के पास क्या है, लीगल कंट्रोल। दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव हो रहा है। तीसरा सर, कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू मीजरेबल है, मीजरेबल है। मीजरमेंट कैसे होगा? सर मीजरमेंट होगा ऑलवेज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसके अंदर चार चीजें इंक्लूड होंगी, दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, ड्यूटीज पेड और फीस पेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। बट इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई भी चेंज हुआ फेयर वैल्यू में वो पीआरएल में जाएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो वो भी पीआरएल में रिकॉग्नाइज होगी। ये बोलता है इंडियस 41। दिस वॉज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ इंडियस 41। आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। XYZ Limited on 1st December purchased 100 sheep from a market for rupees 5 lakhs. 5 lakh rupees mein unhone 100 sheep purchase kari. Kab? 1 December ko. The transaction cost of 2% on the market price of the sheep was incurred, which was paid by the seller. Transaction cost hai, ye consider karni padegi aapko. Okay. Sheep's fair value increased from 5 lakhs to 6 lakhs rupees on 31st March 2014. 1 December 2013 ko kharida aur 31 March 2014 par kya hoga? रिपोर्टिंग डेट, उस रिपोर्टिंग डेट पर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 2% वुड हैव बीन इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द शीप टू द रेलेवेंट मार्केट। अगर आप बेचने जाओगे शीप को तो 2% भी लगेगा। तो वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब 31st March 2014 एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा? सर इनिशियल रिकॉग्निशन होगा डेट ऑफ परचेज पर। डेट ऑफ परचेज मतलब 1st December 2013। तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से आपने कितना पेमेंट किया? 5 लाख रुपए। सर 5 लाख तो किया लेकिन 2% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, ये इंक्लूड होगा तो ये अलग से रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। सर ये वर्किंग नोट कैसे आएगा? देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो 5 लाख लेस 2%, 4,90,000 जाएगा बायोलॉजिकल असेट बुक्स में आएगा 4,90,000 पर, और 2% दैट इज नथिंग बट 10,000 रुपीज, ये कहां पे आएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम से इनकर हो जाएगा बुक्स में। ठीक है सर, ये तो हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन। आ जाते हैं सब्सिक्वेंट रिमेजरमेंट पर। तो 31 मार्च 2014 पर ईयर एंड पर 6 लाख लेस 2%, क्यों? क्योंकि आप इसको मार्केट में लेके जा रहे हो जहां पे आप इसको बेच सको। तो 6 लाख लेस 2% कितना होगी फेयर वैल्यू? 5,88,000। तो फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल असेट विल गेट इंक्रीज बाय ₹98,000। सर कैसे? 5,88,000 कब हो गई? 31 मार्च को, हाँ सर। और ये 4,90,000 पे तो रिकॉर्ड हुई थी इनिशियली, हाँ सर। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, और वो पीआरएल में जाएगा, हाँ। तो असेट अकाउंट डेबिट टू पीआरएल 98,000 से। दिस वॉज योर क्वेश्चन, बताओ ये 4 नंबर में आ जाएगा तो कैसे करोगे? आसान है बिल्कुल। आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5, नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से पहले इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में कराना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन। एंटिटी ए परचेज्ड कैटल एट एन ऑक्शन ऑन रुपीज 30 जून 2011। ऑन 30 जून को आप उन्होंने परचेज करी क्या कैटल। 30 जून को उसकी प्राइस कितनी थी? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल बैक टू द एंटिटीज फॉर्म ₹1,000। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या ये इंक्लूड होगा? आंसर इज नो। सेल प्राइस ऑफ द कैटल ऑन 31st मार्च कितनी? 1,10,000। द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वेयर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन इन एडिशन टू ऑक्शनियर फीस ऑफ 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ऑक्शनियर चार्जेस 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस फ्रॉम बोथ बायर एज वेल एज द सेलर। तो 2% आपको देना पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच कैटल इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ऑन 31st मार्च 2012, और साथ में करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देना है। भाई साहब ये क्वेश्चन में ना इनिशियली ना ये जो अमाउंट है ना 97,000, ये गलत आया है। सर गलत कैसे आया? क्यों? क्योंकि इन्होंने ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, बट ये इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से दी होगी। चलिए तो अपन करते हैं। 1 लाख की इनिशियल रिकॉग्निशन होनी चाहिए थी, लेस ब्रोकरेज 2%, तो 1 लाख इनटू 2% तो बचा कितना 98,000, और इस 98,000 को
पे अपन बायोलॉजिकल असेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं कंसिडर करते, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंसिडर करते हैं, जैसा कि अपन ने पढ़ा। तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 98,000, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 अलग से, टू बैंक 1,01,000। मतलब आपको 1,00,000 तो सिर्फ और सिर्फ किसका? परचेज के लिए पे करना है, प्लस साथ में 1,000 रुपए अलग से आपको पे करना है ट्रांसपोर्टेशन का, वो यहां इंक्लूड नहीं होने वाला। ओके, साथ ही साथ पीएनएल डेबिट टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 से आप उसको पीओरएल से रिकॉग्नाइज कर लोगे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, 31 दिसंबर को बताना है कि भाई क्या होगा। तो 31 मार्च को बताना है, 31 मार्च को ये सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1,10,000, 2% वापस से आपको पे करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे इसमें से 2%, दैट इज 1,080। अब मुझे बताओ बायोलॉजिकल असेट रिकॉर्ड कितने पे हुआ था? सर वो तो रिकॉर्ड हुआ था 98,000 पर। अच्छा, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट पर कितने का हो गया? सर ये 1,078, कितने का डिफरेंस आया? सर फेयर वैल्यू चेंज है 9,800 से, तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू पीओरएल 9,800। ओके, बस दिस वाज योर क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया सो दैट आपको इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मालूम चल जाए। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर, जो 10 मार्क्स में एक बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको अपने को करना है, ये मस्ट डू क्वेश्चन में आप मान के चलना कि ये तो है ही। ठीक है, तो आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। मून लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 1st अप्रैल द कंपनी कैरीड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। परचेज करी उसने लैंड, ठीक है, 50 लाख की। परचेज करी 200 डेयरी काउस, ठीक है। इनकी एवरेज एज कितनी थी? 1 अप्रैल को परचेज करी 200 गाय, 200 गाय आपने डेयरी के लिए परचेज करी और इनकी एवरेज एज कितनी थी? हर गाय 2 साल की थी। ओके, कितने में खरीदी? सर 10 लाख रुपए में। साथ ही साथ आपको 1 मिलियन मिले हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली है किसके लिए मिली है? सर एक्विजिशन ऑफ द काउस के लिए मिली है। 1 मिलियन क्या होता है सर? 10 लाख रुपए होता है। ओके, दिस ग्रांट वॉज नॉन रिफंडेबल। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2012 द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। 6 लाख रुपीज उनको एक खर्चा लगा मेंटेन करने के लिए एनिमल्स की कंडीशन को, और 4 लाख रुपए ब्रीडिंग फी उन्हें लगी है लोकल फार्मर को, ठीक है। 1 अक्टूबर, अब इसी साल क्या हुआ, ये सब कहानी कब तक चल रही थी? 31 मार्च की कहानी है, ये 1 अप्रैल तक की कहानी है, यहां आइए 1 अक्टूबर मिड ईयर की कहानी। 100 काफ्स वेयर बॉर्न। आपके पास कितनी गाय थी? सर 200 डेयरी काउस थी, उसमें से कितने 100 काफ्स, 100 बछड़े पैदा हुए, ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल असेट बन जाएंगे। हाँ ठीक है, देयर वेयर नो अदर चेंजेस इन द नंबर ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012। बस और कोई चेंज नहीं है, 100 काव्स और आ गए आपके पास, ठीक है सर, आए कहीं से नहीं, वो पैदा हुए हैं नेचुरली। ओके, नाउ एज ऑफ 31st मार्च 2012 मून लिमिटेड हैड 3,000 लीटर्स ऑफ अनसोल्ड मिल्क इन इन्वेंट्री। आप काउ डेयरी चलाते हो तो आपके पास जो मिल्क बचा है, जो मिल्क बचा है अनसोल्ड मिल्क, वो क्या होगा? आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, इट इज नथिंग बट द इन्वेंट्री। ओके, द मिल्क वॉज सोल्ड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड एट मार्केट प्राइसेस। क्या ईयर एंड पे बिका? नहीं, आफ्टर ईयर एंड बिका, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक 3,000 लीटर आ जाएगा। इसके अलावा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेयर वैल्यू भी अपने को दी है। ये तो कुछ सिर्फ क्वेश्चन है, लैंड की दी है कीमत कि भाई 1 अप्रैल को इतनी थी, 1 अक्टूबर को 60 लाख की, 31 मार्च को इतनी होगी, और ये क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, न्यूबॉर्न काब्स, अगर 1 अप्रैल को कोई न्यूबॉर्न काब होता है उसकी फेयर वैल्यू कितनी होती? 1,000। 1 अक्टूबर को कितनी? 1,100 और 1,200। 6 मंथ ओल्ड 1,100, 1,200, 1,300। ये प्राइस बहुत ध्यान से पढ़ना, क्यों? क्योंकि अपने को काम बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं, सिलेक्टेड चीजें इसमें से काम आने वाली हैं। 2 ईयर ओल्ड काउ की प्राइस दी हुई है, 3 ईयर की दी हुई है, मिल्क पर लीटर कितने का था, ईयर इनिशियली इस ईयर के स्टार्टिंग पर 20 रुपए लीटर था, मिड ईयर में हुआ 22 का, और ईयर एंड पर कितना हुआ, 24 रुपए लीटर, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है? इतनी राम कहानी बता दी 10 नंबर के लिए, लेकिन पूछा क्या? देखो तो सर प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स काय के, बैलेंस शीट और पीओरएल के। सर एक्सट्रैक्ट्स बनाने पीओरएल और बैलेंस शीट के, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सर पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से? देखो, एक तो लैंड दी है अपने को, लैंड दी और लैंड रिवैल्यू हो रही है। हाँ सर, अगर लैंड रिवैल्यू हो रही है इसका मतलब ओसीआई में जाएगा। ओसीआई कहां पे आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल के अंदर ही आता है एक पार्ट।
एक पार्ट होता है पीआरएल, फिर आता है ओसीआई, तो ओसीआई के अंदर जाएगा लैंड, यस और नो? हाँ। इसके अलावा आप बैलेंस शीट में आपके ये बायोलॉजिकल असेट्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ये वर्किंग नोट, सॉरी एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले वर्किंग नोट बना लें, और ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके रखा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, 5 मिनट के अंदर अपन इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है? देखना, सबसे पहले आपने काउ खरीदी कितने की? सर 10 लाख रुपए की काउ खरीदी, और कितनी काउ खरीदी? 200। तो एक काउ कितने की पड़ी आपको? 5000 रुपए की। तो आपने 1 अप्रैल को जो गाय खरीदी वो कौन सी थी? 10 लाख रुपए खर्च करे 200 काउ पे, 5000 के हिसाब से। हाँ, अब जब आपने वो खरीदी थी तब वो कितने साल की थी? सर 2 साल की थी। आप देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन भी है कि वो उनकी ईयर कितनी थी? 2 ईयर्स की थी, लेकिन ईयर एंड तक क्या वो 3 साल की हो जाएंगी? यस और नो? हाँ सर, वो 3 साल की हो जाएंगी। तो सर फेयर वैल्यू ईयर एंड पर कितनी हो रही? फेयर वैल्यू ऑफ 3 ईयर काउ एट ईयर एंड, फेयर वैल्यू ऑफ 3 ईयर निकाल लो। देखो आपने को बहुत सारी फेयर वैल्यू दी, 3 ईयर ओल्ड काउस उसकी 31 मार्च को फेयर वैल्यू कितनी है? 5500। तो चेंज इन फेयर वैल्यू कितना आ गया? 500 रुपीज पर काउ। हाँ सर, एक तो 500 रुपीज पर काउ, ये जो चेंज इन फेयर वैल्यू है ये कहां जाएगा? पीओरएल में जाएगा सर, पीओरएल में जाएगा। हाँ सर, ओके, कैसे जाएगा? देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो अपन ने पीओरएल बनाया, पीओरएल में सबसे पहले आता है इनकम, इनकम में आ जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट 1 मिलियन मतलब 10 लाख, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द काउ 200 काउ इंटू 500 रुपीस, ये आ जाएगा आपका नोट 1, यस और नो? हां सर। इसके बाद आते हैं सर, सर सर एक बात और है सर, क्या हुआ? ये तो हो गई काय की बात, उन काउ की जो आपने मतलब परचेज करी थी और एज के हिसाब से चेंज हुई। हां सर, अब अपन आते हैं प्राइस चेंज के हिसाब से कुछ पीओरएल पे हिट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने जिस दिन ये 5000 रुपए की काय खरीदी थी 1 अप्रैल को, हां उस दिन इसकी वैल्यू कितनी थी? सर 5200 रुपए। आपने कितने पे रिकॉग्नाइज किया? सर 5000 पे। मीजरमेंट कितने पे करना चाहिए था? सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 5200। आपने कितने पे किया? 5000 पे। तो 200 से कम पे किया, हाँ तो 200 से वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हाँ सर, तो वो डिफरेंस निकाल लो, 200 × 5200 + 5000, हाँ तो ये 40000। ओके, तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ये कितने के आ जाएगा? नोट नंबर 1 आपका ये 40000 का आ गया, ठीक है? ये अपन ने निकाला क्यों? बस ये एस्टिमेशन के लिए। साथ ही साथ फिजिकल चेंज भी तो हुआ उसमें। हाँ सर, फिजिकल चेंज भी तो हुआ। फिजिकल चेंज कैसे? सर 1 अप्रैल को जब आपने उसको खरीदा था तो वो 2 साल की थी, और उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना था? 5200 अपन ने अभी देखा। हाँ, और लास्ट में कितना हो गया? 5500। तो ये कितना आ गया? ये 300 रुपए से बढ़ गई ना फेयर वैल्यू। हाँ सर, तो ये भी रिकॉग्नाइज करो, 60000 और 40000 कितना हुआ? 1 लाख। तो ये अपन ने 1 लाख कहां से लेके आए? ओके सर, ये नोट 1 एंड साथ में अगर मैं बोलूं दोस्त तो गलत नहीं होगा, नोट 1 एंड 2 इसको लिखेंगे अपन। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपने 500 रुपए लेके आए हो, 500 रुपए का चेंज इन फेयर वैल्यू है, ये इंटू 200 काउज आएगा, लेकिन इसका ब्रेकअप ड्यू टू प्राइस चेंज और ड्यू टू फिजिकल चेंज ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो 300 रुपए चेंज किसकी वजह से हुए? फिजिकल चेंज, मतलब 2 साल वाली का है 3 की हो गई, और यहां पर क्या हुआ? प्राइस चेंज, मतलब आपने 5000 रुपए पर काउ खरीदी, बट उस दिन उस काउ की वैल्यू कितनी थी मार्केट में? 5200 की। इज दैट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट ब्रेकअप, ब्रेकअप ऑफ प्राइस। सर ये नहीं बनाए, नहीं बनाओ चलेगा, लेकिन किसी दिन इंस्टीट्यूट ने ब्रेकअप का भी बोल दिया तो? सर आपके ब्रेकअप का नहीं बेटा, प्राइस का। ये जो 500 है ना, इस 500 में कितना प्राइस चेंज की वजह से हुआ और कितना फिजिकल चेंज की वजह से हुआ, टोटल कितना हो गया? 1 लाख। ये 1 लाख आप लेके आ गए, ठीक है सर। इसके अलावा अब आते हैं काव्स की। काव्स बॉर्न हुए थे, क्या खरीदे थे आपने? काव्स को बुक्स में लाने के लिए कोई कीमत लगी थी क्या? नहीं लगी थी सर। क्यों? क्योंकि वो तो बॉर्न हुए ना नेचुरली, तो उनकी कॉस्ट कितनी थी? 0। हाँ सर, लेकिन 6 मंथ के, अब 1 अक्टूबर को वो बॉर्न हुए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के बाद उन काव्स की कितनी? तो 6 मंथ ओल्ड काव्स 1300 रुपए के हो जाएंगे, और कितने काव्स थे? 100। तो आप निकाल लो काव्स के लिए वर्किंग नोट,
ठीक है, ये आपके काफ्स के लिए आ गया। फेयर वैल्यू एट सिक्स मंथ एंड ऑफ काफ्स 1300, चेंज इन फेयर वैल्यू 1300 आ जाएगा। और 1300 कैसे करोगे, नोट 3, 1300 इंटू 100 काफ्स, तो कितने आ जाएगा ये 1,30,000। इसके बाद मिल्क भी तो बचा है आपके यहां पे, हाँ मिल्क कितना आता था सर, मिल्क आप अलग से खरीद थोड़ी रहे हो क्या, मिल्क आप जो बेच रहे हो वो आप खरीद रहे हो क्या अलग से, नहीं सर वो तो गाय दे रही है, गाय दे रही है इसका मतलब आपने गाय को खरीदा था, मिल्क को थोड़ी खरीदा था, वो नेचुरली आ रही है, तो मिल्क की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, जीरो। ओके, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड 24, सर ये 24 कहां से लाए, ये टेबल दिए ना, तो टेबल पर दिया हुआ है ना 31 मार्च की प्राइस बेटा। हाँ अब क्या हुआ, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर जीरो, और फेयर वैल्यू मिल्क की कितनी होगी 24 रुपए पर लीटर, तो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क पर लीटर 24 रुपीज, इसको आप ले आए चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क पर लीटर 72,000। इतनी चीजें आपकी आएंगी काय में इनकम साइड ऑफ पीओरएल, ठीक है। एक्सपेंसेस आपको दो दिए हुए हैं, मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग की, हाँ सर। ओसीआई में एक चीज आएगी, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 20 लाख, हाँ आ जाओ बैलेंस शीट पर। पीपीई लैंड आएगी 70 लाख पर, ओके। काउ कितने पर आ जाएगी, सर काउ के दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक काउ अलग और काफ्स अलग, मतलब बायोलॉजिकल असेट के दो पार्ट्स, एक काउ का और दूसरा काफ्स का। काउ कितने, 200 रुपए, और 200 काउस कितने की है 5,500 की, 10 लाख में आपने खरीदा था 11 लाख की हो गई फेयर वैल्यू। काफ्स, काफ्स आपके पैदा हुए मतलब काउ से, तो वो 1,30,000 के आगे। सर इन्वेंट्री भी तो बची थी, हाँ इन्वेंट्री भी अपन ने लिख ली, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। कुछ नहीं था, बस यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है, बस यही तो कमाल है, 10 नंबर फ्री के थे। इसके अलावा इस इंड एस में लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। ये अपना मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट में था, और इसको एक बार देख लेते हैं। एक्स वाई लिमिटेड इज फार्मिंग एंटिटी वेयर काउज आर मिल्ड ऑन अ डेली बेसिस, मिल्क इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग एंड सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन अ वीकली बेसिस। ऑन 1 अप्रैल 2011 एक्स वाई लिमिटेड हैड अ हर्ड ऑफ 500 काउ, मतलब 500 काउ का झुंड था उनके पास, ठीक है, उनकी डेयरी के लिए। विच वेयर ऑल 3 ईयर्स ओल्ड, सारी की सारी कितने साल की एज थी काउस की, 3 साल। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस बिकम सिक एंड 30 सितंबर, मतलब 6 महीने के अंदर 20 काउ डाइड, मतलब आपके पास कितनी बची हैं 480। 1 अक्टूबर इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपने 20 रिप्लेसमेंट काउस खरीदी मार्केट से 21,000 रुपए में, ठीक है। दीज 20 काउस वेयर ऑल 1 ईयर ओल्ड, अच्छा अब आपके पास जो बायोलॉजिकल एसेट पहले कितने थे 500 काउ थी, सर 20 मर गई तो कितनी बची 480 काउस प्लस 20 काउ आपने और खरीदी, बट यहां पे फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है सर, ये 1 साल पुरानी और वो सब 3 साल पुरानी है, हाँ ओके। ऑन 31 मार्च एक्स वाई लिमिटेड हैड 1 लीटर ऑफ मिल्क इन कोल्ड स्टोरेज विच हैज नॉट बीन सोल्ड टू रिटेल स्टोरर्स, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द मिल्क एज ऑन 31 मार्च वॉज 20 रुपीज पर लीटर, वेन सेलिंग द मिल्क टू डिस्ट्रीब्यूटर एक्स वाई लिमिटेड इनकर सेलिंग कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज 1 लीटर, जब आप जब वो दूध बेचता है तो 1 रुपए उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है। These amounts did not change during March 2012 and are not expected to change during April 2012. हमें तो मार्च तक की बात करनी है, ठीक है। यहां फेयर वैल्यू दी है और यहां ध्यान से देखना कॉस्ट टू सेल अ काउ, बस ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करा है। यहां पे फिर अपन को क्या करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यहां फेयर वैल्यू अलग दी है कॉस्ट टू सेल अलग दी है, तो भाई साहब इस वैल्यू से ये जरूर माइनस करते चलना जब भी जो भी अमाउंट काम आए। 1 अप्रैल की फेयर वैल्यू दी, 1 ईयर वाली काउ की, 1.5 साल वाली, 3 साल वाली, 4 साल वाली, 1 अक्टूबर की भी वैल्यू दी, 31 मार्च की भी दी। द फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 ईयर्स ओल्ड काउ ऑन October 1, 2011 इज 27,000, ठीक है, 27,000 रुपए उसकी कीमत है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द एवर ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड For the year ended 31st March 2012, and also so amount lying in the inventory, if any. तो पहला initial recognition तो already books में हो चुका होगा। पहली बार entry कब की देनी है अपने को? पूछा कब की है? 31st March 2012 की। 31st March 2012 पहुंचने से पहले अपने को ये जो PRL में loss हुआ अपने को 20 cow का, वो तो recognize करना पड़ेगा। अब कैसे recognize करोगे? देखो, जब आपके पास 1 अप्रैल को cows थी 500,
वो कितने साल की थी? 3 साल की। 20 काउज ऑफ मनी, तो उनकी एज कितनी हो गई होगी? 6 महीने, 3 और 6, 3.5 साल की। हाँ, 3.5 साल की काउ की कितनी फेयर वैल्यू थी? सर 27,000 रुपए लेस कॉस्ट टू डिस्पोज 1,000 रुपीज। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 27 लेस 1,000 इज 26 इंटू 20 काउज मर गई, तो पीओरएल डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट। ये एंट्री पास करनी है अपने को 1 अक्टूबर को 5,20,000 से। फिर आपने परचेज भी करी है, कितनी? 21,000 में 1 काउ, 20 काउ खरीदी, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,20,000। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपने ये जो नई काउ खरीदी, इसमें भी आपने कितना कॉस्ट टू सेल कितना था? 1,000 था कि नहीं? हाँ सर था। फटाफट से आपने इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट कर ली, 1,000 × 20 काउस, ठीक है। अब आ जाते हैं सर किस पे, अब आते हैं 31 मार्च 2012 की एंट्रीज पर। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी, फेयर वैल्यू की कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे फिजिकल चेंज है। तो आप समझो, आपके पास 1 अप्रैल को 500 बायोलॉजिकल असेट्स थे, एवरेज एज कितनी थी? 3। वैल्यू कितनी थी? 27,000 लेस कॉस्ट टू सेल नेट 26, तो 500 × 26 ये आया। हाँ सर, 1/10 को ये खत्म हो गई तो कितने का लॉस हुआ? 5/20 का। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो बढ़ गए। हाँ, तो 1 अक्टूबर 2011 को टोटल बायोलॉजिकल असेट कितने का होना चाहिए फेयर वैल्यू के हिसाब से? सर 500 बायोलॉजिकल असेट, इसमें ये इतनी वैल्यू, ठीक है। 31 मार्च को आपके पास 480 काउ बची हैं, जिनकी एवरेज एज कितनी है? 4 ईयर्स, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी फेयर वैल्यू? 26,500 और 1,100 रुपए आपको लेस करना है, कॉस्ट टू सेल है। तो 26,500 लेस 1,100, तो 25,400, तो 480 की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 1,21,92,000 रुपीज होगी 480 काउस की वैल्यू, फेयर वैल्यू। और जो 20 काउ आपने खरीदी, वो उनको कितना टाइम हो जाएगा? आपको सर, आपने जब खरीदी थी तब वो कितने साल की थी? सर 1 साल की थी। 6 महीने बाद कितनी की हो जाएंगी? 1.5 साल की। 1.5 साल के लिए वैल्यू कितनी दी हुई है? सर 1.5 साल के लिए वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 23,500, और उसमें से 1,100 लेस करनी है। तो ये देख लो, 23,500 लेस 1,100, बात ही खत्म हो गई। ये आपने जैसे ही निकाला तो आपको मालूम चलेगा कि 22,400 × 20, ये आपकी फेयर वैल्यू। और 31 मार्च 2012 को क्या हो जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल असेट? 12,64,000। ये वर्किंग नोट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, और एक वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये दो चीजें। इसके अलावा बस अब आपको एंट्री कर देनी है। तो पीएनएल डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट कैसे? लॉस रिकॉग्नाइज करो, इतना था, कम हुआ है आपका? हाँ सर, ये कम तो हुआ है। तो आप क्या करोगे? लॉस रिकॉग्नाइज करोगे। पहले तो 5,20,000 का लॉस, उसके बाद और कितने से कम हुआ? तो ये जितनी वैल्यू है इसको भी कम कर दिया, तो ये आपकी आ जाएंगी ओल्ड का उसके प्योरिल का लॉस। उसके बाद न्यू वाली आपने कितने में ली थी? सर 4 लाख में ली थी। न्यू वाली की फेयर वैल्यू कितनी होगी लास्ट में? 4,48,000। 48,000 से नई वाली काउ की वैल्यू बढ़ गई, हाँ, तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर दो। हाँ सर, और क्या? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, तो सर ये एंट्री के लिए अपन ने इतनी बड़ी टेबल बनाई, क्यों? क्योंकि अपने को ये जो 3 साल वाली जो काउ थी, जो लास्ट में 4 साल की हो जाएगी, उसकी जो फेयर वैल्यू कम हो रही है, उन दिखाना भी तो पड़ेगा कितने से कम हो रही है और किस बेसिस पे हो रही है। तो ये जो 121.92 लाख है, ये निकालने के लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बोलो आया कि नहीं आया? बस, और कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने क्वेश्चन में, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन अपना। ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, आप देख लो भले एक बार, इसमें शायद मिल्क वाला कंसेप्ट अपना रह गया होगा, तो आप एक बार मॉड्यूल से चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करा दिए, सारे ट्रिकिश पॉइंट सारे कवर करा दिए हैं। बस अब आपको इंड एस 41 भी रिवाइज करना है, और ऑलमोस्ट अराउंड अपना 30 मिनट में ये भी खत्म हो गया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, नए वीडियो में अपन मिलेंगे शेयर वेज पेमेंट पे। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, चलिए बाय।